दोस्तों आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए सभी टीमें जो हैं इंडिया पहुंच चुकी हैं और 5 अक्टूबर से आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने वाला है। लेकिन वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले सभी टीमें जो हैं वार्म अप मैच खेलने वाली है, जिसकी शुरुआत आज यानी 29 सितंबर से होने वाली है। 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक वार्म अप मैच खेला जाएगा, जिनमें टोटल 10 मैच खेले जाएंगे। तो ऐसे में इन सभी 10 वार्म अप मैचों को इंडिया में किन किन चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे, सभी 10 मैचों का टाइमिंग क्या रहने वाला है, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी जो है देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी नई अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए चलो जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वार्म अप मैचों की शुरुआत आज यानी 29 सितंबर से होने जा रही है। 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक वार्म अप मैच खेला जाएगा, जिनमें टोटल 10 मैच रहने वाले हैं। सभी टीमें जो है 2-2 मैच खेलने वाले। बात करें इन मैचों के लाइव टेलीकास्ट की, तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग अलग चैनलों पर अलग अलग मैचों का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। जैसे कि आज यानी 29 सितंबर को टोटल 3 मैच खेले जाने वाले हैं और इन 3 मैचों को अलग अलग चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। जैसे कि बांग्लादेश बनाम श्रीलंका का जो वार्म अप मैच है वो स्टार स्पोर्ट टू एचडी पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड का जो मैच है वो मैच स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी एचडी पर लाइव टेलीकास्ट आने वाला है। जबकि साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान का जो मैच आज खेला जाएगा वो स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट वन एचडी पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। यानी कि एक दिन में टोटल 3 मैच खेले जाएंगे और इन 3 मैचों को अलग अलग चैनलों पर आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। इंडिया के भी मैचों को आप स्टार स्पोर्ट्स वन एचडी स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी एचडी जैसे चैनल पर लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे। यानी कि आपको इन चैनलों पर सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की, तो डिस्नी प्लस हॉटस्टार एप्लीकेशन है जिस पर वार्म अप मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। बात करते हैं सभी मैचों के शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक 10 मैच वार्म अप के खेले जाएंगे। टोटल 4 दिनों तक वार्म अप मैच रहने वाला है। 29 सितंबर को 3 मैच खेला जाएगा, तो 30 सितंबर को 2 मैच खेला जाएगा, 1 अक्टूबर को 1 मैच नहीं है, 2 अक्टूबर को 2 मैच खेला जाएगा, जबकि 3 अक्टूबर को टोटल 3 मैच रहने वाले हैं। इंडिया अपना पहला मैच वार्म अप का 30 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलने वाली है गुवाहाटी में। इंडिया अपना दूसरा वार्म अप मैच जो है नीदरलैंड के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। सभी मैचों के टाइमिंग की बात करें तो भारतीय समय अनुसार सभी 10 के 10 मैच जो है दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट होने वाले। दोपहर को 2 बजे से सभी मैच जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में अलग अलग मैचों को सेम टाइमिंग पे अलग अलग चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलने वाले। तो आप कौन से 3 मैच देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना। अगर आप वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।